हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। सब अब मैं हूँ आपका दोस्त उमैर। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल उमैर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मैं आज आपको जो वीडियो के मुतल्लिक VFX ग्रीन स्क्रीन की वीडियो की एडिटिंग कैसे करते हैं, अगर हमें ये नहीं एक वीडियो लगानी है, हमें एक वीडियो की एडिटिंग आसानी से कर लेते हैं, अगर हमने किसी एनिमेशन की वीडियो बनानी है, किसी फिल्म का सीन बनाना है, या हमने अगर कोई किसी पे फायर करना है कोई चीज़ की जहाँ ग्रीन स्क्रीन की तीन चार वीडियो लगे, वो वीडियो तैयार करने का मैं आपको बहुत उम्दा और बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, हमने कॉमेडी सीन बनाया था कल वाली वीडियो में, आज वाली जो नई वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो है। ठीक है, आप उसको तफसील गौर से देखना, आपको समझ आएगी। मैं आपको तफसील से वो बात समझाऊंगा कैसे VFX ग्रीन स्क्रीन की तीन चार वीडियो लगा, कैसे एडिटिंग करते, कैसे आपने अपनी वीडियो लगानी है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपके पास VFX ग्रीन स्क्रीन सॉफ्टवेयर होना लाजमी है, काइनमास्टर सॉफ्टवेयर होना लाजमी। दो सॉफ्टवेयर आपके पास होंगे तो आप उसकी एडिटिंग कर पाएंगे। ओके, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, जहाँ पे आपने काइन मास्टर रखा हुआ वहाँ से काइन मास्टर ओपन करना है अपना। काइन मास्टर ओपन के बाद अपना अपनी रेशो चेक कर लेनी, मैंने कौन सी रेशो पे वीडियो बनानी है। ठीक है, मैंने अपनी कम रेशो सेलेक्ट की है। ठीक है, मैंने आरजी तो बनानी थी बस आपकी वीडियो के लिए, इसलिए मैंने ये रेशो सेलेक्ट की है। ठीक है, आपने रेशो चेक कर लेनी है मैंने कौन सी रेशो पे बनानी है। उसके बाद आप अपनी वीडियो को देख लेना है, कहाँ से कट होना है, कहाँ से नहीं कट होना। ठीक है, कहाँ से ट्रिम करनी है, कहाँ से ट्रिम करनी है, मुकम्मल चेक कर लेनी है अपनी वीडियो अपनी चला के एक मरतबा, जहाँ जहाँ से इसकी सेटिंग होने वाली वहाँ सेटिंग कर लेनी है और इसके वॉल्यूम ऑफ कर लेना है। ठीक है, अगर आपने डायलॉग बोलना है तो वॉल्यूम ऑन रहने देना। ठीक है, मैंने डायलॉग कोई नहीं बोलना था, मैंने इसलिए डायलॉग ऑफ़ कर दिए। आप अपनी वीडियो चेक कर लेनी है एक मरतबा तसल्ली से। ठीक है, डायरेक्शन देख लेनी वीडियो कहाँ कहाँ से कैसे आपने बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपने लायर पे जाना है। ठीक है, मैंने इसलिए ये सिलेक्ट किया है। ठीक है, लायर वाइट वाली, क्योंकि मैंने वीडियो बड़ी थी। ठीक है, पहले वीडियो के पहले उस यूट्यूबर की ऐड आ रही थी, इसलिए मैंने सिलेक्ट की है। ऐड कट 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 कर लूँ मैं। ठीक है, आपने वहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर ली, देखिए ऐड आ रही फर्स्ट में यूट्यूबर की, वो मैंने कट कर ली है। ठीक है, कट करने के बाद आपने वीडियो की डायरेक्शन ठीक कर लेनी, कहाँ कहाँ से वीडियो की डायरेक्शन कैसे रखनी है। ठीक है, आपने उस हिसाब से बनानी है। दोस्तों, पहले बता दूँ आपको वीडियो के स्टार्ट में कि ये वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें तीन चार वीडियो लगानी है, वीडियो एडिटिंग वाली काफ़ी लंबी एडिटिंग है इसकी। ठीक है, आपने अब चेक कर लेना है कहाँ कहाँ से हमने कैसे सीन बनाना है। ठीक है, देख लेना, आपने पहली वीडियो आपने ग्रीन VFX ग्रीन की लगा ली है, इसके बाद आपने और भी लगानी है अभी। ठीक है, देख लेना हमने कहाँ से डायरेक्शन हमारी कैसे चलती है, उस हिसाब से हमें डायरेक्शन बना के चलानी है अपनी। ठीक है, पहले मैंने क्रोमा की निकाल लूँ। ठीक है, इसकी क्रोमा की मैंने निकाल ली है। ठीक है, क्रोमा की निकालते वक्त आपने ये ख्याल रखना है जो आपकी वीडियो है ना वही कलर आपने सेलेक्ट करना है, उसके अलावा कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब आपने उसको क्रॉप कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ। क्रॉप जैसे आपने क्रॉप करना है वैसे वैसे आपने डायरेक्शन अपने चेक करते जाना है, क्रॉप करते जाना है। अगर आपको डायरेक्शन ठीक ना हो, ठीक है, नाइफ ऊपर जा रही हो, ठीक है, छुरी ऊपर जा रही हो अगर, तो आपने इसका पता क्या करना है, वो जब आप दबाएंगे इसको तो ऊपर से वो चाबी वाला निशान आएगा, की वाला, की वाला निशान को दबा के आपने प्लस माइनस जैसे करना आपने वैसे कर लेनी है अपनी वीडियो के हिसाब से। ठीक है, उसके साथ साथ आपने ऐसे ऐसे करते जाना है, फिर आपने ब्लड लगा के चेक कर लेना है। दूसरा मैंने VFX लगा लिया है, मैं आपको पता चलूँ साथ साथ VFX ब्लीडिंग वाली लगा रहा हूँ मैं। इसको आपने लगा के सेंड टू ब्रिंग बैक करना है। ठीक है, ये बैक पर लगेगी, चलेगा ब्लड और सामने आपकी छुरी चलेगी, नफ चलेगी सामने आपकी। ठीक है, आपने चाकू लगाना है या छुरी लगानी है, तलवार लगानी है, आपको वो ग्रीन VFX ग्रीन स्क्रीन मिल जाएंगे, मेरे अकाउंट से मिल जाएंगे, आपको और अकाउंट से भी मिल जाएंगे, जो आपने लगानी है वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये ब्लीडिंग लगाई, मैंने ये ब्लीडिंग लगा के देखना है कि कैसी लगी। ठीक है, आपने जैसे जैसे लगानी है, मैंने दूसरा VFX लगा रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, तीसरा, बल्कि ये तीसरा चल रहा है, तीसरा लगा के आपने देखना है वैसे वैसे कैसे बन रही है। आपने डायरेक्शन और क्रॉप करते जाना, आपने सेलेक्ट करते जाना साथ साथ, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है ये करना। ठीक है, देखिए मैंने क्रॉप कर ली है, अब दूसरी लगा के इसी तरह आपने क्रॉप करते जाना जैसे जैसे आपको दिल करे।
अपनी वीडियो का हिसाब से, आपकी वीडियो का सीन कैसा है। ये तो मैंने नाइट में वीडियो बनाई है, वैसे बैठा हुआ था मैं, चलो राफी ये बना दें आपके लिए। उसके साथ साथ आपने डायरेक्शन देखते जाना है, ठीक है। जैसे ऐसे ये ज़्यादातर ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक पे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ग्रीन स्क्रीन वी इफेक्ट का, टिकटॉक पे कॉमेडी का हो गया, ये हो गया, और बहुत सारे चल रहे हैं। जैसे जैसे मुझे पता चलता है वैसे वैसे वीडियो बनाता जाऊँगा आपके लिए दोस्तों। तो देखते चलें साथ साथ, इसके क्रॉप करते जाना, साथ साथ वीडियो डायरेक्शन चेक करते जाना, ठीक है। अब ये देखें ये डायरेक्शन सही नहीं हो रही, ठीक है। मैंने ब्लड को अब दो तीसरा ब्लड का वी एफ एक्स ग्रीन स्क्रीन लगाया था, वो मैंने अपने सेंड टू बैक फिर कर लिया। एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये वीडियो पे सेंड टू बैक होगा, पिक पे सेंड टू बैक नहीं होगा। पिक पे सेंड टू बैक कभी भी नहीं होगा, बस ये वीडियो पे सेंड टू बैक होता है। आपने इसका ख्याल रखते जाना है साथ साथ, ठीक है। और देखते चलें साथ साथ, ये देख लें मैंने अब तीसरी वीडियो भी लगा ली है, फोर्थ नंबर, ठीक है। आपने देखते जाना है कैसे कैसे ब्लीडिंग आपने लगानी, ज़्यादा लगानी, कम करनी है। अगर ज़्यादा करनी है तो आपने एक और लगा सकते, इस पर कोई इशू नहीं, उसकी डायरेक्शन देख के उस हिसाब से, ठीक है। मैंने जैसे जैसे डायरेक्शन देखी मैं उस हिसाब से लगाता जाता हूँ, ठीक है। आपने देखते जाना है, इसमें कोई इशू नहीं है दोस्तों। देखें ये सेंड टू बैक नहीं होगी आप, क्योंकि ये पिक के ऊपर मैंने लगाई है। मैं ट्राई करूँगा सेंड टू बैक की, करता हूँ ट्राई मैं, सेंड टू बैक हो जाए। ये बोलो डायरेक्शन सेट कर लेने दो, वीडियो की डायरेक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा वो नहीं सही बनी, मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। वीडियो को अभी मैं दोबारा सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, लगा के अभी मैंने, वो छोटी थी मुझे ज़्यादा चाहिए थी, मेरी वीडियो बड़ी थी इसलिए मैंने अब दोबारा फिर सेलेक्ट कर ली है वही वाली ग्रीन स्क्रीन वी एफ एक्स। आपने भी इसी तरह करनी है सेलेक्ट, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि एडिटिंग करना बहुत ही टफ काम, बहुत टाइम लेती है ये, ठीक है। ये छोटे छोटे काम होते हैं, टाइम लेती रहती है, ठीक है। अपने बस अपनी वीडियो ख्याल से बनानी, डायरेक्शन देख के, क्रॉपिंग देख के, कैसे से क्रॉप होना है, जहाँ सीन क्रॉप होना है, ठीक है, जहाँ डायरेक्शन चलनी वहाँ आपने करते जाना है, ठीक है। अब मैंने सेंड टू बैक कोशिश की थी पीछे, पर बात नहीं बनी क्योंकि ये पिक थी, ठीक है। इधर आपने पिक साइड पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, ड्राफ्ट पिक का आपने वहाँ से ले लेनी है, ठीक है। आपने वीडियो में पीछे देख भी लिया, मैंने पीछे आपको बता भी दिया, जैसे जैसे आपने चेक करते जाना कि मेरी वीडियो कैसे बनी, वैसे वैसे आपने लगाते जाना। देखें ये मैंने वीडियो पहले स्लो मोशन कर ली थी, ऊपर से वीडियो स्लो मोशन होती है, आपने अपना स्लो मोशन देख लेनी, मैंने किस हिसाब से स्लो मोशन करनी है, ठीक है, उस हिसाब से आपने करते जाना है, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे आप देखते जाएँ गौर से, ठीक है, वैसे वैसे आपने करते हैं ना, इसमें कोई टफ नहीं है, ठीक है। ये ट्रेंड टिकटॉक पे बहुत चल रहा है इसलिए मैंने सोचा बना दें तो आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ आपने देखते जाना है, ठीक है। अब मेरी वीडियो कंप्लीट होगी, वालियम बंद कर लेने अपनी सारी वीडियो की, जितनी ग्रीन स्क्रीन की, ग्रीन स्क्रीन की हमारी चार वीडियो लगी, ठीक है, और एक मेरी अपनी वीडियो, वॉल्यूम बंद कर लेने। मैं ऊपर तो सॉन्ग लगाऊंगा, आपने अगर डायलॉग लगाना था आप वीडियो को वॉल्यूम बंद ना करना, ग्रीन स्क्रीन का कर लेना, ग्रीन स्क्रीन का अपना भी वॉल्यूम होता है दोस्तों, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपने देखते जाना, वैसे वैसे करते जाना है आपने, ठीक है। देख ले मैंने क्या कैसे कैसे बनाई है वीडियो, आपने वैसे वैसे क्रॉपिंग डिस्क्रिप्शन आपने ये दे देखना है, आपने कैसी बनी मेरी क्रॉपिंग कैसी हो रही है, वैसे वैसे आपने क्रॉप कर देना। मैंने सॉन्ग सेलेक्ट किया गैलरी से, ठीक है। तो ये आपने अगर सॉन्ग सेलेक्ट करना है, आपने इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल ऑफ कर लेनी है, ठीक है, आपका सॉन्ग ना सामने शो। इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, आपने हाइड कर लेना है, ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम शो होगा, ठीक है। मैं आपको आखिर में सुनाऊंगा, सबसे आखिर पे, कि वीडियो हमारी कैसी बनी, कैसी रही, ठीक है। आपने देख लेनी है, मतलब सली से चेक कर लेनी है। अब मैं गैलरी में सेव करूंगा इसको, ठीक है। तो आपने अब गैलरी में वीडियो सेव करनी है, आपने जो से रिज़ल्ट में लेनी है वो रिज़ल्ट ले सकते हैं, मैंने हल्के रिज़ल्ट में ली है, ठीक है। आपने सनमे वाले 3D रिज़ल्ट, HD, Full HD जैसे रिज़ल्ट में आपने लेनी आप ले सकते हैं। मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्टिंग हो रही गैलरी में, ठीक है। करते हैं दोस्तों, मैंने मुझे बताया था कि वीडियो लंबी होगी, वीडियो लंबी है, ठीक है। देख ले अब हमारी गैलरी में,
ओके दोस्तों, देखा हमने कैसे VFX ग्रीन स्क्रीन की वीडियो तैयार की। ठीक है, देखने को लगता है टफ, कोई टफ नहीं, कोई मुश्किल नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है दोस्तों, आप अब इस तरह आसान वीडियो बना सकते, आसान तरीके से वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरे YouTube चैनल और मैट TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। अब हम नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे।